अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौकीर ज़िया और आप देख रहे हैं ज़ियावी मीडिया चैनल। और इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जाँच की तो इसमें कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है, तमाम वीडियो मौजूद हैं किसने डेमोलिशन किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि मस्जिद थी वहाँ पर, मस्जिद को तोड़ा गया है, तो उसमें अब किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। जो लोग उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, चूँकि सज़ा नहीं मिली है इसीलिए हमने आज भी डेमोन्स्ट्रेशन किया है, बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया है। पिछले 26 साल से करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सज़ाएँ नहीं मिल जाती। हम इस चीज़ से नहीं घबराते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ है। फैसला 1885 में इन लोगों के ख़िलाफ़ था। 1885 में जब रामलला का मंदिर बनाने की परमिशन उसके आंगन में नहीं दी गई थी, उसकी अपील भी खारिज की गई थी, सेकंड अपील भी खारिज की गई थी, तो आज मस्जिद के अंदर आपने जो मंदिर बनाने की परमिशन दी जा रही है, ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये फैसला ताकत के बल पर है। आज आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी फैसला कर लेंगे, जिस तरह का नहीं हो सकता। संविधान का इसमें पालन नहीं हुआ है, कानून का इसमें पालन नहीं हुआ है। हमारी ये डिमांड है और हम इस मांग के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे कि संविधान का पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। ये मुल्क कानून करने की हर संभव कोशिश की है, चाहे वो धवन साहब पर आरोप लगवाए गए हों या वो रिव्यू पिटिशन ना फाइल करवाई गई हो कुछ पक्षों के द्वारा, या जितनी भी चीज़ें जो मीडिया के अंदर चीज़ें चलाई कि साहब फैसला हो गया, अब कुछ नहीं, अब हम आगे बढ़ना चाहिए। भाई मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो ये बात कहते हैं हम आगे बढ़ना चाहिए, अगर तुम्हारे बच्चों का कोई कत्ल कर दें और कहें कि साहब फैसला हो गया है आगे बढ़ जाना चाहिए, तो क्या आप उस पर आगे बढ़ जाएंगे? आपके अंदर टीस रहेगी, आपके अंदर दर्द रहेगा। ठीक है, आप कमज़ोर हैं, उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस कमज़ोरी को या उस टीज़ को आप कम से कम ये नाम मत दीजिए कि फैसला हो गया है। फैसला नहीं हुआ है, इस बात को कहने की हिम्मत रखिए। और इस बात को हम तो कहते रहेंगे, कहते आए हैं कि ये एक नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जब तक हमारे अंदर जान है इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा इंशाअल्लाह इसका हम फैसला वो फैसला करवा के छोड़ेंगे जिस फैसले की पूरे मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को एक